क्यों है? ये भी कोई पूछने की बात है? राधा के दर्शन करने? मैं मरते मर जाऊंगा मगर तेरा हाथ उस बदमाश के हाथ में कभी नहीं। ये शादी नहीं हो सकती। पर शादी तो हो चुकी भैया। भले समाज में मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें नहीं जानती। विश्वासघात किया है तूने, तेरी ये बेवफाई की सजा सारी दुनिया को भुगतनी पड़ेगी। अगर तुम अपने आप को मर्द के हवाले न करो तो मर्द के क्या मजाल जो तुम्हें खिलौना समझे। ये आदमी चेहरे से शरीफ नहीं लगता। आज के बाद मेरे लिए हर चीज एक खिलौना जिसे खेल के तोड़ दिया जाता है। पर अभी तो वो एकदम नाबालिग है। मैं उसके बालिग होने का इंतजार करूंगा जहांगीर, जिस दिन वो 18 साल की हो जाएगी। जी मैं अकेली नहीं थी, वो शाम था मेरे साथ। शाम? कौन शाम? कि इन सभी जिंदगियों को तबाह करने के इल्जाम में तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। ये मत भूलो राधा कि अब तुम्हारा ताल्लुक एक बड़े खानदान से है। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं, आज से मैं आपको डैडी कहा करूंगी। खबरदार जो मुझे डैडी कहा।